बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप तमाम दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की एक और नई और अमेजिंग वीडियो लेके आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, इन तीन चार महीनों में काफ़ी सारे फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप भी उन तमाम दोस्तों में शामिल हो जाएं और जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट हम अपने चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक आसानी से पहुंच सके। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज एक और नया सेटअप तैयार किया है ओरियम कंपनी की। एक 9 इंच की DVD प्लेयर है हमारे पास और ये विदाउट बैटरी थी, विदाउट रिचार्जेबल थी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर बैटरीज वगैरह हमने लगाई हैं, तो ये एक दोस्त को सेंड करनी थी, उसकी फरमाइश पे ये सेटअप बनाया, तो मैंने सोचा इसका छोटा सा रिव्यू आप दोस्तों को दे दूं। तो फ्रेंड्स, अंदर की पोजीशन आप देख सकते हैं, पिछली वीडियोस की तरह हमने इसकी सेटिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है। मैं आपको एक एक चीज़ चेक करवाता हूँ कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। और असल में फ्रेंड्स, हमारा रिव्यू कराने का मकसद यही होता है वीडियोज़ अपलोड करने का कि जिन दोस्तों को DVD सेटेलाइट फेंडर बनाने नहीं आते, जो लोग कारीगर हैं, अगर उनको किसी किस्म का भी कोई मसला होता है तो उनके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है और बाकी कस्टमर का रिव्यू भी हो जाता है, ठीक है। तो बाकी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस 9 इंच सेटेलाइट फेंडर के अंदर हमने डबल बैटरी ये लगाई है, ये हमारे रिसीवर के लिए, ठीक है। और बाकी ये कनेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने एक ग्राउंड ली है और फ्रेंड्स, यहाँ से ग्राउंड लेने के बाद हमने यहाँ से इसके ये जो तीन कनेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये सबसे नीचे वाला कनेक्शन हमारा वीडियो का है और ये ऊपर वाले दो कनेक्शन जो हैं ये हमारे ऑडियो के हैं, ऑडियो लेफ्ट और ऑडियो राइट। और यहाँ से हमने ये DC कनेक्शन इसको दिया है और ये DC कनेक्शन हमारा जा रहा है ये पावर स्विच में, और पावर स्विच का जो अगला कनेक्शन है हमारा वो BMS से होके, ठीक है, ये चार्जिंग पॉइंट हमने रखा है, चार्जिंग पॉइंट से हमारा ये BMS की तरफ आ रहा है। तो ये हमने BMS भी इसके अंदर लगाया है फ्रेंड्स, 9 इंच के DVD प्लेयर के अंदर। और DVD वाली साइड जो है ये सिर्फ चार्जर पे ऑपरेट होती थी, तो इसको हमने इसके अंदर भी हमने सेल रख दी हैं, ठीक है। ओरिजिनल बैटरीज लगाई हैं फ्रेंड्स और बेहतरीन टाइमिंग है इसकी। और बाकी फ्रेंड्स, इसके अंदर और क्या क्या फंक्शन है वो भी आप दोस्तों के साथ में शेयर कर। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आरजी तौर पे इसको मैंने बंद किया है। बंद करने के बाद इसका डिस्प्ले भी आपको चेक करवाएंगे। और बाकी आप देख सकते हैं, एक साइड से हमने इसकी चार्जिंग पिन निकाली है और बैक साइड पे इसका एक साइड पे स्विच रखा है और दूसरी साइड पे यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जिंग के लिए हमने ये पिन लगाई है। और बाकी फ्रेंड्स, इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद, सॉरी फ्रेंड्स, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं DVD को ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं DVD वाली साइड हमने ऑन कर दी है। ये आप देख सकते हैं ओरियम है या ओरियम है, आप दोस्तों के सामने ये स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से इसकी वॉल्यूम भी सबसे पहले हम अप कर लेते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम अप करने के बाद फ्रेंड्स, हमने अब इसको करना है AV मोड पर। तो AV मोड पर जाने के लिए फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला बटन इसका AV वाला है, तो ये AV इन हो गया हमारा। और बैक साइड से हम रिसीवर का बटन ऑन करते हैं इसका, जो हमने लगाया है। और आप दोस्तों के साथ इसका डिस्प्ले भी चेक करवाते हैं आप दोस्तों को। और ये हमारा रिसीवर ऑन हो रहा है फ्रेंड्स। रिसीवर ऑन होने के बाद आपको इसके चैनल भी चेक करवाएंगे फ्रेंड्स। ये रिसीवर हमारा ऑन हो चुका है, इसको हमने कम्प्लीटली बंद नहीं किया फ्रेंड्स। तो रिसीवर ऑन होने के बाद फ्रेंड्स, डिश की तार में लगाता हूँ इसके साथ। तो फ्रेंड्स, डिश की तार मैंने उठा ली है, जस्ट आपने यहाँ पे इस साइड पे डिश की तार कनेक्ट करनी है, ठीक है। और ये हमारा जो DVD फेंडर है, आवाज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स म्यूट। तार लगाने के बाद हमारा DVD फेंडर जो है, हमने जो तैयार किया है वो ऑन हो चुका है। और इसकी सिग्नल पट्टी भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं जी, कि इसके ऊपर सिग्नल कैसे शो होते हैं हमारे पास। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि इस तरह के सिग्नल हमारे पास इस सेटेलाइट फेंडर पे शो होते हैं। और ये हमारे पास जियो न्यूज़ लगा हुआ है, फ्रिक्वेंसी भी आपको शो हो रही होगी चैनल पे। तो ये हमारे पास H का चैनल चल रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादातर उस पर फोकस किया जाए। तो ये समा न्यूज़ में लगाता हूँ, ये वर्टिकल में है
तो ये आप देख सकते हैं बेहतरीन हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों चैनल हमारे पास ओके हो चुके हैं। बाहर से इन्फो तो फ्रेंड्स मैंने आपको चेक करवा दिया, बाकी इसका मेन्यू की बात अगर की जाए तो ये देख सकते हैं आप GX और ALI 3510 का जो पहले रिसीवर आता था जिस तरह का मेन्यू, सेम उसी तरह का मेन्यू है हमारा। एंटीना सेटअप हो गया और बाकी ट्रांसपोंडर लिस्ट में जाके आपको यहाँ पे भी इसकी पट्टी शो करवा देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से हम पार्क सेट सेलेक्ट कर लेते हैं और पार्क सेट की फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपको चेक करवा देते हैं कि डबल पट्टी सिग्नल जो है वो हमारा किस तरह हमारे पास शो होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि बेहतरीन हमारे पास इसकी डबल पट्टी शो हो रहा है सिग्नल, ठीक है। फ्रिक्वेंसी वगैरह आप दोस्तों के सामने ही एक एक के सिग्नल आप चेक कर सकते हैं, किसी के ऊपर 70% आ रहे हैं और किसी के ऊपर 75% आ रहे हैं। ये तो वी वाले चैनल हो गए और बाकी आप एच वाले भी चेक कर सकते हैं, इनके भी सिग्नल हमारे पास बेहतरीन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को DVD सेटेलाइट फाइंडर ऑर्डर करने हैं वो डिस्क्रिप्शन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी होता है और वीडियोस के ऊपर भी हम मेंशन कर देते हैं अपना व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से भी आप व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अक्सर दोस्तों का सवाल होता है जी कि आप DVD वाली जो रिसीवर वाली साइड की जो USB पॉइंट है वो नहीं रखते। तो फ्रेंड्स वो हम इसलिए नहीं रखते हैं कि कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जिसकी डम्प ग्रेड फाइल हम दोबारा उसकी जो फर्स्ट फाइल होती है वो अगर आप दूसरा उसके अंदर सॉफ्टवेयर करेंगे तो आपका रिसीवर डेड हो सकता है। तो बाकी फ्रेंड्स हम कस्टमर की मर्ज़ी का ही सॉफ्टवेयर करके उनको सेंड करते हैं रिसीवर वगैरह, ठीक है, जो वो कहते हैं उनकी मर्ज़ी का ही करते हैं। और बाकी अगर उनको चेंज करवाना होता है तो या तो किसी कारीगर के पास ले जाएँ, प्रोग्रामर के थ्रू उसके अंदर चेंज करवा लें जो भी सॉफ्टवेयर उन्होंने करवाना है। तो फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिएगा कि सॉफ्टवेयर के साथ आप छेड़छाड़ी ना करें, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से सॉफ्टवेयर नहीं करते, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर ही हम सॉफ्टवेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर जो दोस्त ने उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।